हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। फाइनली आई हैव बॉट DJI Mini 3 Pro और ये काफ़ी दिन से शॉर्ट में था। DJI की वेबसाइट पे भी और Amazon पे भी नहीं अवेलेबल था, तो फाइनली ये मेरे पास आ गया और मैंने सोचा कि इसकी क्विक सी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है DJI Mini 3 Pro जिसके साथ एक स्मार्ट कंट्रोलर है जिसमें स्क्रीन भी है। मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रोन है DJI Mavic Zoom, तो मैंने ये क्यों लिया है? जो 250 ग्राम से ऊपर के ड्रोन हैं, जिनका वेट 250 ग्राम से ऊपर है, उनको उड़ाने के लिए यूरोप में स्पेशली और मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में ड्रोन रेगुलेशंस ये हैं कि उसके लिए आपको ड्रोन का पायलट लाइसेंस चाहिए। तो जैसे कि मैं इटली में और यहाँ पे इटालियन में मुझे वो लाइसेंस करना पड़ेगा, तो अभी मैं कुछ और कोर्सेज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं वो लाइसेंस नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि वही ड्रोन लिया जाए जिसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये उस कैटेगरी के अंडर आता है, 250 ग्राम से कम है। इसका वेट है 249 ग्राम, तो इसके लिए आपको उड़ाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दो तीन और चीज़ों की ज़रूरत है, इंश्योरेंस वगैरह और एक दो और चीज़ें, वो मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगा। तो फिलहाल इसकी क्विक सी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये ड्रोन है और इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं। पॉलीथीन वगैरह पहले ही उतारा जा चुका है। तो मेन जो हमारे पास आता है, सबसे पहले ड्रोन आता है जो कि ये साइज़ का है। और ये देख लें कि मेरा सेल फ़ोन जो है, सेल फ़ोन एक स्मार्टफोन का साइज़ ये है और ड्रोन का साइज़ ये है। ये मतलब एक स्मार्टफोन से भी छोटा ड्रोन है। और इस पर मैंशन है, बाकायदा इसके ऊपर मैंशन है 249 ग्राम। इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें फ्रंट पे भी सेंसर लगे हुए हैं और बैक पे भी सेंसर लगे हुए हैं, ताकि अगर उड़ते हुए कोई भी सब्जेक्ट सामने आ जाता है, कोई दरख्त या घर वगैरह, तो ये रुक जाएगा वहीं पे। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस इसमें है। इसमें जो सबसे मज़े की बात जो मुझे लगी है, वो इसमें है कि आप हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल तो आप हॉरिजॉन्टल शूट करते हैं, लेकिन इसमें आप वर्टिकल शूट करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में शूट करते हैं सीधा रख के वर्टिकल में। वर्टिकल मोड जो है वो ऐसे काम करता है कि ये भी हॉरिजॉन्टल में, ज़्यादातर हम लोग हॉरिजॉन्टल, ज़्यादातर ड्रोन में हॉरिजॉन्टल ही वीडियो आप शूट कर सकते हैं। इस तरह भी ये हॉरिजॉन्टल में इसका कैमरा, तो अभी देखें कि ये वर्टिकल में शिफ्ट हो गए, तो आप इससे वर्टिकल शूट भी कर सकते हैं लाइक दिस। अभी हॉरिजॉन्टल में और अभी वर्टिकल मोड में आ गए। तो जो लोग इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं और टिकटॉक्स बनाते हैं, तो उनके लिए भी ड्रोन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें वर्टिकल शूट भी आप कर सकते हैं। जो इसकी बहुत ही अमेजिंग बात है वो ये है कि ये 4K 10 बिट में शूट करता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसके बॉक्स में और क्या क्या मिलता है वो देखते हैं अभी। तो ड्रोन के बाद हमारे पास ये आ जाता है स्मार्ट कंट्रोलर। तो इससे पहले जो वर्जन थे Mavic Mini 2 या Mavic Mini और Mavic Zoom में भी आपको स्मार्ट कंट्रोलर नहीं मिलता था। सी टाइप से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और इसमें माइक्रो SD कार्ड आप कंट्रोलर में भी डाल सकते हैं, ताकि कंट्रोलर की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। मैंने अपना जो है प्रोफाइल वगैरह जो DJI की ऑफिशियल है वो मैंने ऐड कर ली हुई है इसमें। बाकी इसमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स हैं और ये सी टाइप केबल है ड्रोन को चार्ज करने के लिए। ड्रोन के साथ ही मैंने ये फ्लाई मोड किट भी ली है, और इसमें ये होता है कि आपको दो एक्स्ट्रा बैटरीज मिल जाती हैं। और वैसे तो इसका जो फ्लाइट टाइम है वो आई थिंक 31 या 35 मिनट्स है, जो कि नॉर्मल ड्रोन DJI Mavic Pro का, Mavic Pro 2 का, Mavic 2 Zoom का यही बैटरी टाइमिंग है। तो इसमें देखते हैं, तो फ्लाई मोड कम्बो में दो एक्स्ट्रा बैटरीज आती हैं, और इसके साथ फिर एक सी टाइप केबल आती है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने फ्लाई मोर किट में भी एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स ऐड किए हैं, दो ये हैं और दो ये हैं। हाँ जी, तो ये थी DJI Mini 3 Pro की अनबॉक्सिंग। तो ये थी DJI Mini 3 Pro की क्विक सी अनबॉक्सिंग। तो मैंने सोचा इसकी अभी नॉर्मल सी एक क्विक सी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, और बाकी जो इसकी वीडियो क्वालिटी है वो मैं किसी और दिन आपको प्रॉपर फ्लाई करके और वीडियो क्वालिटी के साथ इसका रिव्यू भी दूंगा। सो दैट वाज प्रीटी मच फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।